को यानी कि आज कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां प्रदेश मुख्यालय में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने झंडारोहण कर कांग्रेस जनों का स्थापना दिवस को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। आइए आपको सुनाते हैं आखिरकार क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने। और देश भर के समूचे कांग्रेस के परिवार के लोगों को और देशवासियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब देश में क्या परिस्थिति थी हम सब जानते हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत कम दल हैं जो 130-135 साल जनता की सेवा करने के लिए उनको सौभाग्य मिला है। हम लोग जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे, और आज 3 राज्यों में जो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, इसके लिए मैं कांग्रेस के नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस आक्रमणता से उन्होंने भाजपा की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है, जो चुनौतीपूर्ण सवाल पूछे हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री जी और भाजपा दे नहीं पाए, जनता ने वह जवाब दिया है। सरकार बनाने के साथ साथ हम लोगों का दुगना दायित्व बन जाता है कि जो घमंड और अहंकार की सरकार यहाँ पहले थी उसको जनता ने हटाया है, और एक संवेदनशील सरकार जो संवाद के माध्यम से विनम्रता से जनता के काम कर सके, नौजवानों किसानों के चेहरों पर दोबारा खुशियां लौट सकें, इस प्रकार का काम हमारी सरकार करने वाली है। 2 उपचुनाव तो हम जीत चुके थे, अब बाकी 23 सीटें हैं जहां पर दर्ज हमें जीत अपनी करानी बाकी है। मुझे लगता है कम से कम 22 से 23 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और ये राजस्थान में जब सरकार बनती है उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो आमतौर पर सत्ता पक्ष में जो पार्टी आती है